होली के त्यौहार को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और सार्वजनिक वाहनों पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मंडी समेत बाजार के सभी स्थानों पर पुलिसकर्मी अपनी नजर बनाए हुए हैं। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पिछले एक महीने से नैनीताल पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया था और उसे कामयाबी भी मिली है। पुलिस ने सत्यापन अभियान को भी गति दे दी है। एसपी पंकज भट्ट ने सभी थाना इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू करे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। होली के त्यौहार को ध्यान में रख के पिछले एक महीने से शराब को लेकर अभियान चल रहा है, जिसमें चार बड़ी सफलताएं हमें हाल में मिली हैं और ये अभियान आगे जारी रह रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो होली को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों की चेकिंग, बॉर्डर की चेकिंग, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और सत्यापन अभियान को भी अब लार्ज स्केल पर शुरू किया जा रहा है। पुनः इसमें होली को लेकर के सभी थानों को बताया गया है कि वो अपने थाना क्षेत्र में मीटिंगें कर लें होली के त्यौहार को लेकर के, और इसके अलावा जो पर्याप्त मात्रा में